कभी कभी हम जीवन में इतने निराश हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं और ऐसा मन करता है इस संसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं या अपने आप को ही समाप्त कर लें। तो ऐसा अपने अंदर ऐसे विचार ना पालें, क्योंकि ये जीवन मिला है और इस जीवन का हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये आते रहेंगे और अगर दुख आपके जीवन में नहीं आएंगे तो आप मजबूत कैसे होंगे, क्योंकि दुखों से ही आदमी मजबूत बनता है। और कोई भी कार्य करो, हमेशा मुस्कान के साथ करो, खुशी के साथ करो, क्योंकि कार्य तो आपको करना है, तो आप क्यों दुखी होकर करें। काम कोई भी करे खुश होकर करें, निराशा न पालें, सकारात्मक सोच के साथ अपने सारे कार्य करें और अपने आप को कभी भी छोटा न समझें, क्योंकि आप अपने से नीचे देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि आपसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है और कोई बेचारा अपंग है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के आँख नहीं है, तो वो भी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप इतने अच्छे और काबिल हो फिर भी आप निराश हैं, तो ये बहुत गलत बात है। छोटी छोटी बातों को भी लेकर ना बैठा करो कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, क्योंकि अगर हीन भावना अपने अंदर पालोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कभी भी आप दुखी ना होना, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जीवन में आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है और आत्मविश्वास में बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास आपका मजबूत है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मविश्वास हमारा मजबूत है तो आप को कोई नहीं हिला सकता, कोई डिगा नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और निराशा न पालिए। जीवन एक अनमोल तोहफा है और इसे खुशी के साथ गुजारिए। दुख थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर सुख भी आएंगे। तो अपने अंदर कभी भी नकारात्मक सोच ना रखें, जीवन में आगे बढ़ते रहें ऐसी सोच के साथ कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, नाम कमाना है अपना। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ नए प्रेरक विचारों के साथ।